सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC की टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी निजी क्षेत्र की कंपनियों पर भारी पड़ रही है। LIC पर लोगों का फिर से भरोसा बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा भी आया जब LIC बिजनेस ग्रोथ में निजी कंपनियों से पिछड़ती नजर आई, लेकिन इस फ्रंट पर LIC ने अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया है। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के ताजा आंकड़े इस बात की मजबूती के साथ तस्दीक कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार देश के जीवन बीमा उद्योग ने अगस्त महीने के बिजनेस में जोरदार वृद्धि दर्ज की है। इसमें सरकारी क्षेत्र की इकलौती जीवन बीमा कंपनी LIC का अहम योगदान रहा। LIC के नए बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन में निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों को बुरी तरह से पछाड़ दिया। अगस्त में 27 जीवन बीमा कंपनियों ने कुल 32,644 करोड़ रुपए का नया प्रीमियम जुटाया, जो पिछले साल की कंपैरिजन में 21.8% ज्यादा है। अगस्त महीने के कुल प्रीमियम में LIC का कंट्रीब्यूशन 19,309 करोड़ रहा, जो पिछले साल की तुलना में 35.1% ज्यादा है। इस दौरान निजी कंपनियों ने कुल मिलाकर 13,335 करोड़ रुपए का प्रीमियम जुटाया, जो पिछले साल की कंपैरिजन में महज 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। इस हिसाब से LIC की प्रीमियम ग्रोथ निजी कंपनियों की तुलना में 5 गुना से भी ज्यादा रही। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त की अवधि में न्यू बिजनेस प्रीमियम 1.54 लाख करोड़ रुपए रहा, पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20.78% ज्यादा है। इस हिसाब से LIC की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 61.7% हो गई, जो एक साल पहले 58.4% पर थी। इस मोर्चे पर निजी कंपनियों को झटका लगा है। NBP में एक निजी बीमा कंपनी की हिस्सेदारी पिछले साल की 41.6% से घटकर 38.2% पर आ गई। दरअसल ग्रुप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचने में LIC बड़ी लीडर बनी है। कंपनी का ग्रुप सिंगल प्रीमियम अगस्त में 46% बढ़कर 13,559 करोड़ रुपए हो गया। इस सेगमेंट में जोरदार वृद्धि के कारण ही LIC का NBP 35% से ज्यादा बढ़ा है। इस सेगमेंट में LIC का मार्केट शेयर 80% से ज्यादा है। इस दौरान निजी बीमा कंपनियों ने कुल मिलाकर 6.7% की वृद्धि दर्ज की। इसमें इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम में दमदार वृद्धि से बल मिला। बड़ी निजी कंपनियों में SBI लाइफ की प्रीमियम इनकम एक साल पहले की तुलना में 13.46% घटकर 2,703 करोड़ रुपए रह गई। वहीं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का प्रीमियम 12.3% बढ़कर 1,509 करोड़ रुपए हो गया। अन्य निजी बड़ी कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें HDFC लाइफ की प्रीमियम आय 3.6%, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस की 2.8% और मैक्स लाइफ की प्रीमियम आय में 16.7% की वृद्धि दर्ज हुई। अब सवाल यह है कि LIC के जीवन बीमा उद्योग में दबदबा आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी कंपनियों से निजी कंपनियों से आगे निकल रही है, तो इसकी खास वजह क्या है, चलिए बात करते हैं। इसकी खास वजह यह है, सेवी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी इस पर कहते हैं कि देश में LIC सबसे पुरानी और एकमात्र सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, जिसका देश भर में मजबूत नेटवर्क है। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का कारोबार मुख्य रूप से शहरों तक ही सीमित है। ग्रामीण इलाकों में लोग सरकारी कंपनी पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। एक और खास बात यह है कि LIC की प्रोडक्ट बास्केट बड़ी और आकर्षक है। ये बीमा कंपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी पर विशेष जोर दे रही है, जबकि निजी कंपनियां यूलिप पर फोकस कर रही हैं। यूलिप शेयर बाजार से जुड़े प्रोडक्ट हैं और छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोग इस बारे में ज्यादा समझ नहीं रखते, इसलिए लोग LIC को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वजह से कंपनी का जीवन बीमा उद्योग में दबदबा बना हुआ है। आपका क्या कहना है LIC के बारे में, क्या आपने भी LIC की कोई पॉलिसी ले रखी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए Money9 के साथ। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें।